नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक नया रेसिपी लेके आए हैं। आज जा रहे हैं तीसी भर के पराठा बनाने। एक कटोरी ये तीसी लिए हैं, 200 ग्राम होगा, ये 100 ग्राम गुड़ लिए हैं, आधा केजी आटा लिए हैं। सबको मिला के तीसी को पहले भूंजेंगे, फिर उसको पीसेंगे, तब बनाएंगे। ये नारियल काट के लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम चूल्हा सुलगा देते हैं, थोड़ा कढ़ाई गर्म कर देते हैं, तब तीसी को पहले भूंज लेंगे, फिर उसको पीसेंगे, तब इसे बनाएंगे। और कोई तेल मसाला नहीं लगेगा, घर के जुआर से सब बन जाएगा। ये सब जुआर तो सबको घर के पास में रहता है। तीसी बहुत फायदा करता है दर्द में, सबको खाने के लिए बताता है कि तीसी दर्द में खल जाता है, इसलिए हम तीसी वाला पराठा बनाने जा रहे हैं। अब 2 मिनट हो गया है, हम इसे डाल देते हैं। देखिए ये कढ़ाई में, अब इसे हम थोड़ा भून लेते हैं, 5 मिनट तक इसे भूंजेंगे। देखिए ये मेरा तीसी पूरा भुंजा गया, इस तरह आवाज कर रहा है। देखिए अब ये पक गया है, अब इसे हम निकाल रहे हैं। अब इसे गैस बंद कर देते हैं। अब इसे वो प्लेट में इसे निकाल के ठंडा होगा तब इसे हम पीस लेंगे। अब पीस के हम इसे बनाएंगे। देखिए अब हम इसको निकाल दिए, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी तो ये गर्म है। तब तक हम आटा सान लेते हैं। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सान रहे हैं। और वीडियो बहुत डाले हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आप लोग को। अनरसा वाला भी वीडियो डाले हैं, अनरसा भी देख लीजिएगा। कहा कि अनरसा ये दिन में बिहार में बहुत जोर से कोई बनाता है, बहुत प्रसिद्ध है अनरसा। देखिए ये मेरा आटा सना गया, इस तरह नकड़ा साने हैं, थोड़ा मीडियम साइज में सान दिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। देखिए इस तरह करके अब इसे हम एगो प्लेट से ढक देते हैं। अब इसे 5 मिनट के बाद देखेंगे। देखिए ये तीसी हम पीस लिए हैं जो भुंजे थे उसको, अब इसे हम निकाल रहे हैं। इस तरह पीस के हम इसमें पीस लिए हैं। इसमें ये गुड़ रखा है 100 ग्राम जो डाल देते हैं, अब ऐसे डाल के मिला लेते हैं। थोड़ा सा इसमें घी डाल देते हैं, 1 चम्मच घी डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़िया बन जाएगा, इसलिए देखिए हम इसे अब मिला रहे हैं। इसको इस तरह मिला लेते हैं सभी को। इसमें गुड़ डाले हैं, 1 चम्मच घी डाले हैं इसको, इसलिए आज हम तीसी के पराठा बनाने जा रहे हैं। थोड़ा मीठा मीठा खाने का मन कर रहा था, तीसी सोना सोना लगता है भूंज के पकाने से, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनता है गुड़ डाल के बनाने से। सबको मन था कि आज दोपहर में यही बने, तो यही नाश्ता बनाने जा रहे हैं। चटनी के साथ खाने में अच्छा लगता है। देखिए अब ये आटा को 5 मिनट हो गया है, अब इसे हम उबाल रहे हैं। देखिए इस तरह हो गया है, अब इसे जरा सा मिला लेते हैं। इस तरह अब इसे मिला लिया, अब इसे हम बना देते हैं। थोड़ा चूल्हा सुलगा के तावा इस पर रख देते हैं, तब तक तावा गर्म हो जाएगा। देखिए एक तावा चढ़ा दिए,
अभी से हम थोड़ा सा इतना छोटा छोटा लोई काट लिए हैं, देखिए इस तरह। इस तरह हम कटोरी की तरह इसे बना लेते हैं। इस तरह इसमें डाल देते हैं एक चम्मच, थोड़ा सा और डाल दिए, थोड़ा बड़ा बन गया था इसलिए। इस तरह इसको बंद कर लिए। अभी बन गया, बिल्कुल तैयार हो गया। इसको इस तरह रख लेते हैं। थोड़ा इस तरह करके इसको इस तरह चिपका देते हैं। इस तरह डाल के इसे इस तरह बना लेते हैं। देखिए हम इसे अब पलट देते हैं। इस तरह देखिए कितना बढ़िया बन गया। देखिए इस तरह इसे भी पलट, धीमे धीमे आज में पका रहे हैं इसे। अभी 5 मिनट तक पकेगा, बिना तेल के पका रहे हैं, बिना घी के, कुछ डाले नहीं है। अब आप लोग का मन होगा तो डाल दीजिएगा, आप लोग डाल के भी बना सकते हैं, गुड़ के बदल चीनी भी डाल के बना सकते हैं, वो भी डाल के बन जाएगा। अपना पसंद जो होगा वो डाल दीजिएगा। देखिए अब मेरा ये पराठा तैयार हो गया। अब इसे हम निकाल रहे हैं, देखिए किस तरह ये फूल फूल गया है लाल होके। अब इसे हम निकाल रहे हैं। इस तरह निकाल दिए, देखिए ये अब तैयार हो गया है। अब आप लोग को जरूर पसंद आ रहा होगा। मेरा चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा जरूर।